हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोरांच एस्ट्रो होम। गोरांच एस्ट्रो होम इज अ एस्ट्रो टेक्निकल चैनल इन विच वी मिक्स एस्ट्रोलॉजी एंड टेक्निकल्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट मूवमेंट फॉर द डे। सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्लोजिंग लेवल्स फॉर 27th January। So this is the disclaimer. The content provided in this video is strictly for educational purposes and is not an advice of any kind. अगर आप इसको बेस बना करके ट्रेड लेते हैं, then the channel or me or anyone associated with the channel is not responsible for the losses or the profits which you incur. You will be completely responsible for your own action. So let's begin. So कल की अगर हम बात करें 27th January, the market should open on a positive and a stable note. It is expected that the markets should remain on a positive note because शुरू का काफी time में positivity दिखाई दे रही है. After 1347, there is a lot of vibrancy which I can see should come in the market. So there can be sudden ups and downs. But because सुबह से लेकर के almost 1:45 बजे तक चीजें थोड़ी positive ही नजर आ रही हैं, so I've taken it on a positive note. But tomorrow results can be both mixed. Okay. So market should show a stable growth. ड्यूरिंग दी ओपनिंग आवर्स टिल 10:17 एक स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में, एक फॉर्मनेस ही आनी चाहिए, एक पॉजिटिव नोट पे खोलना चाहिए बाजार. 10:17 के बाद में ऑलमोस्ट टिल 13:47 10:17 से वॉलेटिलिटी जरूर थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा मूवमेंट बढ़ेगा बाजार में, बट अगेन it should be on a positive note with respect to the opening. नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा चलना चाहिए. 1:45 बजे, it is 13:47 to be precise, ये वो टाइम है जब volatility, यहाँ से volatility, इसके बाद volatility increase करना start करेगी मार्केट में. There is going to be a कन्फ्यूज्ड स्टेट, यू कैन से कन्फ्यूजन सा बढ़ेगा, थोड़ा सा पैनिक सा बढ़ना चाहिए बाजार में. देयर कैन बी सडन अप्स एंड डाउन्स. नाउ टिल द डे एंड द स्टोरी इज गोइंग टू रिमेन द सेम एंड इट इज अ मिक्स्ड रिजल्ट. तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड भी चल सकता है, बट इट विल बी हाईली वॉलेटाइल. तो मैं अपने व्यूअर्स को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कुछ पोजीशन लेते भी हैं तो उसको 1:30-2 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा. उसके बाद में इन हाईली वॉलेटाइल मार्केट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन क्वांटम, पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें से. सो लेट्स सी द लेवल्स. तो निफ्टी का 25 जनवरी को जो क्लोजिंग लेवल था, इट वॉज 14,238.9. तो अपने टॉप से ये काफी रिट्रेस कर गया है. 27 जनवरी की जो क्लोजिंग रेंज है, दैट शुड बी बिटवीन 14,180.8 टू 14,417.8. अब आई टोल्ड यू दैट द वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी हाई, तो दोनों साइड का लेके चलना है. दिस 14,180.8 ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है. This level will get definitely breached in the short term. इस level से या तो market rebound कर सकता है, but ये level जरूर जरूर touch होगा. So this is a different concept on which I'm working. Let's talk about Bank Nifty. Bank Nifty की 25 जनवरी की closing was 31,000 198.4.
द फॉल इन बैंक निफ्टी काफी बड़ा मेजर फॉल आया है, ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज समथिंग मोर देन 1600 पॉइंट्स, ये काफी मेजर फॉल है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रेंज जो नजर आ रही है दैट इज 30,972.92 31,590.3। अगेन इसमें भी 30,972.9 ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली बैंक निफ्टी विल टच दिस लेवल इन द शॉर्ट टर्म। आई एम नॉट सेइंग कि कल ही करेगा, बट हाँ इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गेट टच्ड। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुमारो। हैव अ हैप्पी डे टुमारो ट्रेडिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। डू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।